ओके बच्चों, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पूरा कर लिया, तो अब हम स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसको अपन गाइनोसियम कहते हैं, ओके, जो फ्लावर का फोर्थ रोल होता है। फर्स्ट रोल क्या था? कैलिक्स, सेकंड कोरोला, थर्ड एंड्रोसियम एंड फोर्थ इज गाइनोसियम। ओके, तो गाइनोसियम की यूनिट क्या है? कार्पल। जैसे एंड्रोसियम की यूनिट क्या थी? स्टेमन। वैसे गाइनोसियम की यूनिट क्या होगी? कार्पल, यानी पिस्टिल भी बोलते हैं इसे। अब बच्चों, जो कार्पल है उसके थ्री पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओके, और ओवरी में ओव्यूल होता है बच्चों, जिसको मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। जैसे एंथर को क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोरेंजिया। वैसे ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजिया बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो आप डायग्राम से भी दे सकते हो, ये देखो स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये क्या है? ओवरी है। और ओवरी में क्या है बच्चों? ओव्यूल है। इज दैट क्लियर? अब फ्लावर में क्या होता है बच्चों? एक कार्पल भी होता है, तो एक कार्पल होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? मोनोकार्पेलरी। क्लियर? और फ्लावर में एक से ज़्यादा कार्पल भी हो सकते हैं, और एक से ज़्यादा कार्पल है तो अपन इसे क्या बोलते हैं? मल्टी कार्पेलरी फ्लावर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गया? बताओ जरा मोनोकार्पेलरी का क्या मतलब है? वन कार्पल। ओके, मल्टी कार्पेलरी का मतलब मोर देन वन कार्पल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगर फ्लावर मल्टी कार्पेलरी है, फ्लावर क्या है? मल्टी कार्पेलरी, यानी कार्पल उसमें एक से ज़्यादा है, तो अब एक से ज़्यादा कार्पल हैं तो वो दो फॉर्म में हो सकते हैं, एपोकार्पस या सिनकार्पस। क्लियर? अब समझिए एपोकार्पस क्या होता है। एपोकार्पस का मतलब है कि जो कार्पल्स हैं वो सेपरेटेड हैं। कार्पल्स क्या हैं? सेपरेटेड, वो आपस में फ्यूज्ड नहीं है। तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ एपोकार्पस? कार्पल्स आर सेपरेटेड। और इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही है, आपको याद रखना है, माइसीलिया। इज दैट क्लियर? कौन सा एग्जाम्पल है इसका? माइसिलिया। सिनकार्पस, सिनकार्पस का मतलब है, सिन मतलब फ्यूज्ड हैं, वो फ्यूज्ड टुगेदर, वो जॉइंटेड हैं आपस में, है ना। तो इसका एग्जाम्पल है पेपेवर। तो ये दोनों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखने हैं। एक बार बोलो, मल्टी कार्पेलरी में अगर कार्पल सेपरेटेड है तो क्या टर्म रहेगी? एपोकार्पस। एग्जाम्पल क्या रहेगा? माइसिलिया। अगर मल्टी कार्पेलरी में कार्पल्स क्या हैं? फ्यूज्ड हैं, तो क्या टर्म रहेगी? सिनकार्पस। और एग्जाम्पल क्या रहेगा? पेपेवर। इज दैट क्लियर? ओके, थोड़ा कैप्सेला को देख लीजिए। कैप्सेला को क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम? क्योंकि कैप्सेला हमारा आइडियल प्लांट है। तो कैप्सेला बाईकार्पेलरी होता है, यानी कितने कार्पल हो गए बच्चों? दो हो गए। मोनोलोक्यूलर मतलब उसमें एक ओव्यूल होता है। ओव्यूल कितना होता है? एक होता है, यस। और उसमें स्यूडोसेप्टम की वजह से वो बाईलोक्यूलर भी नजर आता है। इज दैट क्लियर? खैर, आप इतना ध्यान रखो कि कैप्सेला बाईकार्पेलरी है, यानी कार्पल कितने हैं? दो, और ओव्यूल वन। क्लियर? सिनकार्पस ओवरी है। सिनकार्पस बताओ क्या होता है? फ्यूज्ड ओवरी है, और सुपीरियर ओवरी होती है, जो मैंने बताया था ना आपको 11th में। इज दैट क्लियर? समझ आया आपको अच्छे से? तो अब देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्टार्ट किया था ना, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था उसमें? मेगास्पोरेंजिया के, माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में डिस्कस किया था ना, उसी तरह आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले मेगास्पोरेंजिया की बात करेंगे। क्लियर? मेगास्पोरेंजिया क्या होता है बच्चों? ओव्यूली होता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं मेगास्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर, मतलब हम पढ़ रहे हैं आज ओव्यूल की स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? समझ आया? अगर आपको माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर पढ़नी होती थी तो आप क्या पढ़ते थे? एंथर की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ना, उसी तरह मेगास्पोरेंजिया में आज हम ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ओके, तो डिस्क्रिप्शन हम बाद में देखेंगे, पहले आप डायग्राम को देखिए अच्छे से। देखो बच्चों क्या है ये, देखो ये ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी की वॉल है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये ओवरी की वॉल है, ठीक है, ये इस तरह ये ओवरी की वॉल है। अच्छे से समझ आ रहा है ना? ओवरी की वॉल के अंदर ये जो खाली जगह है इसको बोलते हैं हम लोक्यूलर कैविटी, या ओवरी की कैविटी बोलिए आप। ओके, इस कैविटी में यहाँ प्लेसेंटल मास होता है, यानी पेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है ना, आप एक रफ बात अपन सोचते हैं। तो ये ओवरी में क्या है? प्लेसेंटा। अब क्या होता है बच्चों कि एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, ये इसको फनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फनिकल। तो फनिकल जो है वो ओव्यूल को अटैच करवाता है किससे? प्लेसेंटा से। बेसिक आपको समझ आया? ये क्या है यहाँ पर बताओ जरा? फनिकल। और फनिकल क्या कर रहा है? ओव्यूल को अटैच करवाता है किसके साथ? प्लेसेंटा के साथ। और प्लेसेंटा किसका पार्ट है? ओवरी का पार्ट है। तो प्लेसेंटा वो जगह है जहाँ पर ओव्यूल अटैच रहता है बाय द हेल्प ऑफ फनिकल। इज दैट क्लियर?
अब बच्चों यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रक्चर है हाइलम, ये देखो ये हाइलम, क्लियर। अब हाइलम क्या है बच्चों, देखो ये जो रेस्ट ऑफ बॉडी है ना, ये ओव्यूल की बॉडी है, और ये था फनिकल, और ये बीच में कौन आ गया, हाइलम। मतलब हाइलम क्या हो गया बच्चों, हाइलम एक जंक्शन हो गया किसके बिटवीन, फनिकल एंड ओव्यूल बॉडी, फनिकल और ओव्यूल बॉडी के बीच का जो जंक्शन है उसको अपन बोलते हैं हाइलम। इज दैट क्लियर, समझ आ गया बच्चों। अब बताओ मुझे साथ साथ थोड़ा देखो, ओव्यूल प्लेसेंटा के साथ किससे अटैच होता है, फनिकल से, वेरी गुड। ओव्यूल बॉडी और फनिकल के बीच का जंक्शन क्या होता है, हाइलम, क्लियर। अब देखो बेटा, ओव्यूल की स्ट्रक्चर में ये सबसे बाहर आउटर इंटेग्यूमेंट होता है इस तरह से, ठीक है, ये आउटर इंटेग्यूमेंट, इसके बाद ये इनर इंटेग्यूमेंट होता है, ठीक है। तो कितने इंटेग्यूमेंट हो गए बच्चों, दो हो गए, एक आउटर इंटेग्यूमेंट, क्लियर, आउटर इंटेग्यूमेंट, और एक कौन सा हो गया, इनर इंटेग्यूमेंट, क्लियर हुआ। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये देखो आप, ये सेल्स पेरेन्काइमेटस सेल मास नज़र आ रहा है आपको, ये सारा का सारा न्यूसेलस है बच्चों, ये देखो ये न्यूसेलस, ठीक है। न्यूसेलस का काम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना होता है, और भी बहुत फंक्शन करते हैं, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ आई बात। अब न्यूसेलस के अंदर क्या होता है बच्चों, ये एम्ब्रियो सेक है, ठीक है, एम्ब्रियो सेक, क्लियर है। एम्ब्रियो सेक जो होता है वो बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट क्या था, पोलन ग्रेन, ध्यान रखिएगा ये बात, है ना, और फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सेक, इज दैट क्लियर। अब ये जो एम्ब्रियो सेक होता है बच्चों, इसमें 7 सेल्स होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अब देखो जरा सेल काउंट करो, 1 2 3, ओके, फिर देखो 4 5 6, ठीक है, और ये एक बीच की बड़ी सेल हो गई है, ठीक है, तो 7 सेल हो गई ना। अब देखो ये जो ऊपर सेल है इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, क्या बोलते हैं इनको, एंटीपोडल सेल, ओके, इनकी प्लॉइडी एन है, यानी हैप्लॉइड है ये, और ये एग अपरेटस है बच्चों, ये 3 सेल का जो ग्रुप है ये एग अपरेटस है। इस एग अपरेटस में एक एग सेल होती है, और समझ आया, और 2 हेल्पर सेल होती है जिनको सिनर्जिड सेल कहते हैं, इनकी प्लॉइडी भी एन होती है, इज दैट क्लियर। और ये जो बीच वाली सेल है बच्चों बड़ी सारी, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, ठीक है, और इसमें देखो ये 2 न्यूक्लियस हैं, इनको पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, तो इनकी प्लॉइडी है एन प्लस एन, 2n मत बोलना बच्चों, एन प्लस एन, ठीक है ना। ये 2n कब होती है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन 2n होती है ये, और फर्टिलाइजेशन से पहले बच्चों ये एन प्लस एन होती है, समझ आए। अब सारी प्लॉइडी अगर आपसे कोई पूछ लेना तो देखो सारी, देखो फनिकल की प्लॉइडी क्या रहेगी, 2n रहेगी, हाइलम की प्लॉइडी 2n रहेगी, न्यूसेलस की प्लॉइडी 2n होगी, इंटेग्यूमेंट की प्लॉइडी 2n होगी, लेकिन एंटीपोडल सेल की n होगी, ओके, सेंट्रल सेल की n प्लस n होगी, एग सेल की n होगी, सिनर्जिड सेल की n होगी, इज दैट क्लियर। अब ये जो ओव्यूल हैं इसका ये जो रीजन है ये माइक्रोपाइल रीजन होता है। वैसे बच्चों अगर ये इन्वर्टेड ओव्यूल बनाया मैंने, है ना, अगर ये सीधा ओव्यूल हम बनाएं तो ये अपर साइड होगी, क्लियर, ये मैंने कौन सा बनाया है, इन्वर्टेड बनाया है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट होता है तो ये माइक्रोपाइल अपर साइड रहेगा, क्लियर, तो ये टिप माना जाता है माइक्रोपाइल। और इसका जो बेस रीजन होगा ये वाला होगा, इसको चेलेजा रीजन बोलते हैं या बेसल रीजन बोलते हैं। अभी बताओ जरा ओव्यूल के टिप या अपर साइड को क्या बोलेंगे हम, माइक्रोपाइल, और बेसल रीजन को क्या बोलेंगे हम, चेलेजल रीजन या बेसल रीजन बोलेंगे, इज दैट क्लियर। तो ये ओव्यूल का बेसिक डायग्राम समझ आया आपको। अब ये जब डायग्राम आपको समझ आया है तो अब हम इसके एक एक पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं, क्लियर, तो बताओ समझ आ रही है ना आपको ये बात। तो अब चलो अपन इसके पार्ट्स को देखते हैं। चलिए सबसे पहले थोड़ा ओव्यूल के बारे में देखते हैं। ओव्यूल प्रेजेंट इन लॉक्यूल्स कैविटी ऑफ ओवरी, ओवरी की जो लॉक्यूलर कैविटी होती है उसी में ओव्यूल होता है, लॉक्यूलर जो कैविटी होती है उसी में ओव्यूल होता है, क्लियर। ओव्यूल बाइंड विद प्लेसेंटा बाय फनिकल, ये बात समझ आ गई आपको, अभी देखो क्लियर हो रहा है ना कि ओव्यूल प्लेसेंटा के साथ किससे बाइंड होता है, फनिकल से। और हाइलम, हाइलम क्या है, जंक्शन बिटवीन फनिकल एंड ओव्यूल बॉडी, ये भी बात क्लियर हो गई आपको अच्छे से। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी बात बता देता हूँ,
कि ओवरी जो होती है उस ओवरी में ओव्यूल वन भी हो सकता है और मैनी भी हो सकते हैं, यानी बहुत सारे भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब जैसे वन भी है और मैनी भी है, हो सकते हैं, है ना, डिपेंड करेगा अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग फ्लावर में। लेकिन आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आप ये देखो, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है ना, और ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट। अब आप देख लिया करो, अगर किसी फ्रूट में एक सीड है मतलब एक ओव्यूल है, अगर किसी फ्रूट में एक से ज़्यादा सीड है मतलब उसमें ओव्यूल भी क्या होंगे, एक से ज़्यादा होंगे। तो चलो मैनी का एग्जाम्पल देखो, पपाया, सही बात है, पपाया में सीड बहुत सारे होते हैं ना, इसका मतलब एक ओवरी में ओव्यूल बहुत सारे हो गए। वाटरमेलन लो ना, आजकल चल रहा है, इसका एग्जाम्पल भी बेहतर रहेगा। क्लियर? ऑर्किड, बहुत टीनी सीड्स होते हैं इसमें, बहुत छोटे छोटे सीड काफ़ी होते हैं, तो ऑर्किड, समझ आया। अच्छा, वन का एग्जाम्पल देखो, वीट रहा, है ना, राइस है, ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, वन वाला। क्लियर हो गया एकदम अच्छे से, कोई डाउट? अब देखो, अब हम ओव्यूल के पार्ट्स ले रहे हैं वन बाय वन। सबसे पहला ओव्यूल की स्ट्रक्चर का क्या पार्ट था बताओ, फनिकल, है ना, ये CBSE में क्वेश्चन आएगा तो बड़ा रहेगा, है ना, वो पूरा क्वेश्चन देगा कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरिंजिया या ओव्यूल। ओके, तो फनिकल, फनिकल देखिए क्या है, अराइज फ्रॉम चलेजल एंड। चलेजल एंड अभी बताया था ना मैंने आपको, ओव्यूल में कौन सा था, बेसल वाला, है ना, तो फनिकल कहाँ से अराइज होता है, चलेजल एंड से। ओके, अब देखो फनिकल क्या चीज़ है, वैस्कुलर टिश्यू, तो फिर ये क्या करेगा, फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। वैस्कुलर टिश्यू कौन होते हैं, कंडक्शन करने वाले होते हैं, तो फिर फनिकल का काम क्या हो गया, फूड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्लेसेंटा टू ओव्यूल। ठीक है, अभी बताओ फनिकल कहाँ से अराइज होता है, चलेजल एंड से। हाँ, किस नेचर का है ये, वैस्कुलर टिश्यू है। क्या काम है इसका, फूड ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ से कहाँ तक, प्लेसेंटा से ओव्यूल तक। क्लियर हुआ आपको? आगे देखो, जो फनिकल होता है उससे कुछ प्रोजेक्शंस अराइज होते हैं, प्रोजेक्शन यानी आउटग्रोथ स्ट्रक्चर अराइज होती है, किससे होती है, फनिकल से। उनको बच्चों हम ऑब्ट्यूरेटर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूरेटर, इज दैट क्लियर। अब ये ऑब्ट्यूरेटर क्या करते हैं, कीमो अट्रैक्शन का काम करते हैं, यानी केमिकल अट्रैक्शन का काम करते हैं। कैसे, ज़रा देखिए, गाइड टू पॉलन ट्यूब टुवार्ड्स माइक्रोपाइल रीजन। अब इस बात को समझाता हूँ मैं आपको, देखो इस बात को आपको मैं रफ वर्क में समझाता हूँ अच्छे से। देखो क्या है, आप इधर देखिए, ये हम स्ट्रक्चर बनाते हैं देखो इस तरह से, ठीक है, ये क्या है बच्चों, स्टिग्मा, ठीक है, ये क्या है, स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी, ठीक है। यहाँ पर अपने बच्चे ये ओव्यूल बनाते हैं इस तरह से, रफ बना रहे हैं ना इस तरह से, और ये एम्ब्रियो सेक बनाया ना हमने यहाँ पर, और ये देखो यहाँ पर पोलन ग्रेन आया, ठीक है, और पोलन ग्रेन ने आकर जर्मिनेशन कर लिया और क्या बना ली, पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब ये ग्रोथ कर रही है, देखो ये पोलन ट्यूब है, ठीक है, और पोलन ट्यूब में क्या है, ये मेल गैमेट है, पढ़ाया था ना कल मैंने आपको। अब देखो, अब फर्टिलाइजेशन होना है तो इन मेल गैमेट्स को यहाँ पर हमें एग सेल के पास लेके जाना है ना, यहाँ पर, क्लियर, तो फिर इस पोलन ट्यूब की एंट्री करानी पड़ेगी हमें यहाँ माइक्रोपाइल की तरफ, यानी ये पोलन ट्यूब की एंट्री का रास्ता ये पोलन ट्यूब यूँ आएगी ना, यहाँ पर यूँ आएगी, ठीक है। तो पोलन ट्यूब को यहाँ लाने के लिए इस पोलन ट्यूब को गाइड करना पड़ेगा, इसको अट्रैक्शन किससे यहाँ पर लाया जाता है, तो ये फनिकल क्या करता है, ऐसे आउटग्रोथ स्ट्रक्चर बनाता है फनिकल, और इनको बोलते हैं अपन ऑब्ट्यूरेटर्स, ऑब्ट्यूरेटर्स, क्लियर। तो ये ऑब्ट्यूरेटर्स क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, और वो इस पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे इस माइक्रोपाइल रीजन की तरफ आने के लिए। अब बताओ ये बात समझ आ गया एकदम अच्छे से। ओके, अब थोड़ा आगे देखते हैं अपन। तो क्या बताया मैंने अभी आपको कि प्रोजेक्शंस हैं उनको ऑब्ट्यूरेटर्स कहते हैं, और वो कीमो अट्रैक्शन करेंगे यानी पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे माइक्रोपाइल रीजन की तरफ आने के लिए। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। फनिकल जो है वो कुछ आउटग्रोथ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर्स भी बनाता है इंटेग्यूमेंट्स के सराउंडिंग, उनको रेफे कहते हैं, और ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। क्लियर? तो फनिकल में आपको मैं याद करने वाली अगर बातें बताऊं तो फनिकल की मेन दो बातें हैं, पहली बात वो वैस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, दूसरी बात कि उसके प्रोजेक्शंस हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूरेटर्स,
जो कि केमिकल रिलीज करते हैं और पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं किसकी तरफ आने के लिए, माइक्रोपाइल की तरफ आने के लिए। मेन दो बातें हैं तो आपको ध्यान रहेगी दोनों। ओके, फनिकल के बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं इंटैग्यूमेंट्स। ठीक है, इंटैग्यूमेंट्स अराइज फ्रॉम चैलेजल रीजन। कहाँ से अराइज हो रहा है बच्चों? ये चैलेजल रीजन से। और फनिकल भी कहाँ से अराइज हो रहा था? शाबाश, वो भी चैलेजल रीजन से अराइज हो रहा था। वेरी गुड। तो इंटैग्यूमेंट नॉर्मली कितने होते हैं बच्चों? दो होते हैं। अभी मैंने बताया था ना आपको, आउटर इंटैग्यूमेंट और शाबाश इनर इंटैग्यूमेंट। ओके, लेकिन अब अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग केस है। एटैग्मिक, नाम क्या है बच्चों? देखो, एटैग्मिक मतलब इंटैग्यूमेंट एब्सेंट, इंटैग्यूमेंट होगा ही नहीं। एग्जाम्पल लोरेंथेसी फैमिली है, क्लियर, जो कि स्टेम पैरासाइट है। लोरेंथेसी फैमिली का लोरेंथस प्लांट है, स्टेम पैरासाइट है। ओके, क्लियर। सेंटेलम का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जो कि रूट पैरासाइट है। तो इनमें एटैग्मिक ओव्यूल होते हैं। पक्का पक्का समझ आ गया एकदम अच्छे से? बेहतर है आपके लिए याद करना कि जो लोरेंथस और सेंटेलम दोनों पैरासाइट प्लांट है और दोनों में एटैग्मिक ओव्यूल होगा। पक्का। यूनिटैग्मिक मतलब वन इंटैग्यूमेंट, और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल याद रखो बच्चों आप जिम्नोस्पर्म, साइकस माइनस का एग्जाम्पल दे सकते हो ना। ओके, बाकी गैमोपेटल्स भी इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, गैमोपेटल्स प्लांट भी इसका एग्जाम्पल रह सकता है। बाईटैग्मिक, बाईटैग्मिक का मतलब बताओ बच्चों? दो इंटैग्यूमेंट, ये मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो पॉलीपेटल्स है, मोनोकोट प्लांट है, कैप्सूल है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट है, मतलब ये बाईटैग्मिक ही होता है। क्लियर हुआ? तो अब जरा बताओ, जरा एटैग्मिक का मतलब क्या होता है? इंटैग्यूमेंट एब्सेंट, शाबाश। एग्जाम्पल पूछे तो घबराना नहीं है, देखो एग्जाम्पल से घबराना नहीं है, एग्जाम्पल बार बार रीड करोगे याद हो जाते हैं, है ना। एटैग्मिक का एग्जाम्पल क्या है? शाबाश, लोरेंथस और सेंटेलम, वेरी गुड। यूनिटैग्मिक का मतलब एक इंटैग्यूमेंट, एग्जाम्पल क्या रहेगा? जिम्नोस्पर्म। बाईटैग्मिक का एग्जाम्पल मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स हैं। ओके, तो ये याद करने की भी जरूरत नहीं है। बाईटैग्मिक का मतलब कितने इंटैग्यूमेंट होंगे? दो। और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में कैसा इंटैग्यूमेंट होता है? बाईटैग्मिक ही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ट्राईटैग्मिक, ट्राईटैग्मिक का मतलब शाबाश, अब तो नाम से क्लियर हो गया ना, तीन इंटैग्यूमेंट, एस्पोडिलस प्लांट एग्जाम्पल रहेगा आपका। ठीक है, अब आपको कुछ भी याद रहे ना रहे, आपको ये तो जरूर याद रखना है कि इंटैग्यूमेंट दो होते हैं, दो मतलब बायोटैग्मिक। ओके, अब इंटैग्यूमेंट का इंपॉर्टेंस देखो। एम्ब्रियो सेक को प्रोटेक्शन देता है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, होनी चाहिए। देखो अभी हम देखो इंटैग्यूमेंट क्या होते हैं, इस तरह से होते हैं, आउटर इंटैग्यूमेंट और इनर इंटैग्यूमेंट, इज दैट क्लियर। और फिर ये क्या आ जाता है? न्यूसेलस। और फिर ये क्या आ जाता है? एम्ब्रियो सेक। तो एम्ब्रियो सेक को प्रोटेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है इंटैग्यूमेंट? क्लियर हो गया। दूसरा, वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम बात है। देखो सीड कॉट फॉर्मेशन, ठीक है ना, ओव्यूल ही तो सीड बनाता है ना बच्चों, तो ओव्यूल के जो टिश्यूज हैं वही तो सीड में कन्वर्ट होंगे। तो देखो ये कौन सा इंटैग्यूमेंट था? आउटर इंटैग्यूमेंट। ये सीड का आउटर कोट बना देगा, इसको टेस्टा बोलेंगे अपन। ओके, और ये क्या था? इनर इंटैग्यूमेंट। तो ये सीड का इनर कोट बनाएगा, जिसको टैगमेन बोलेंगे, इज दैट क्लियर। तो इंटैग्यूमेंट ही सीड कोट बनाता है, आपको समझ आ गया? आउटर इंटैग्यूमेंट क्या बनाएगा? टेस्टा। इनर इंटैग्यूमेंट क्या बनाएगा? टैगमेन। टेस्टा टैगमेन क्या है? सीड के कोट हैं, इज दैट क्लियर। वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एडवेंटिव एगेमोस्पर्मी, आपको अभी मैं एपोमिक्सिस पढ़ाऊंगा, वहाँ पर ये बात पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए आप कि इंटैग्यूमेंट जो है वो एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन कर सकता है, है ना। वैसे तो एम्ब्रियो किससे बनता है? जाइगोट से, लेकिन अगर इंटैग्यूमेंट एम्ब्रियो बनाए तो इसे अपन एडवेंटिव एगेमोस्पर्मी बोलते हैं, इज दैट क्लियर। पक्का पक्का बताओ, समझ आया आपको एकदम अच्छे से? तो इंटैग्यूमेंट का फंक्शन बताओ, एम्ब्रियो सेक को प्रोटेक्शन देना, ओके, दूसरा सीड कोट बनाना, और एडवेंटिव एगेमोस्पर्मी, क्लियर। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो सेक, वेरी गुड। अब आप बोलोगे कि सर थोड़ी देर पहले तो आप ये कह रहे थे कि न्यूट्रिशन न्यूसेलस देता है, अब आप कह रहे हो कि इंटैग्यूमेंट देता है। तो देखिए ना कैसे, न्यूसेलस अगर एब्सेंट है या अर्ली स्टेज में डैमेज हो जाए, समझ आ रही है बात में क्या कह रहा हूँ? न्यूसेलस अगर एब्सेंट है या अर्ली स्टेज में डैमेज हो जाए तो बच्चों ये न्यूट्रिशन देने की जिम्मेदारी किसके ऊपर हो जाएगी? इंटैग्यूमेंट पर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो फिर मैंने सही लिखा है ना, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो सेक,
अब आप कहोगे कि सर ऐसा किन प्लांट्स में होता है, तो इसका आप एग्जांपल लो कंपोजिटी फैमिली के प्लांट। सनफ्लावर है ना, कंपोजिटी फैमिली में ही आता है। तो कंपोजिटी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनमें न्यूसेलस रिड्यूस्ड होता है बच्चों, तो फिर उनमें न्यूट्रिशन देने का काम किसका रहेगा, शाबास इंटेग्यूमेंट का रहेगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ अच्छी बताता हूँ, इन प्लांट्स में इंटेग्यूमेंट कई लेयर का हो जाता है, यानी 2 से 4 लेयर के करीब हो जाता है, ठीक है, सेल मास बनाता है। इसे यहाँ पर एंडोथीलियम टर्म दी जाती है, क्लियर, ये भी समझ आया आपको एकदम अच्छे से, ओके। अब देखो इंटेग्यूमेंट दो स्ट्रक्चर भी बनाता है, एक्सोस्टोम और एंडोस्टोम, इनको भी थोड़ा देख लो ध्यान से। एक्सोस्टोम क्या है, ये इंटेग्यूमेंट की एक एक्स्ट्रा ग्रोथ है जो माइक्रोपाइल रीजन की तरफ होती है, क्लियर, तो ये एम्ब्रियो सेक को नीचे आने से रोकेगा, बाहर निकलने से रोकेगा। एंडोस्टोम ये क्या होती है, आउटग्रोथ होती है इंटेग्यूमेंट की, कौन से रीजन की तरफ होती है ये, इनर इंटेग्यूमेंट, सॉरी मैं वापस आता हूँ पॉइंट पर। एक्सोस्टोम जो है वो आउटर इंटेग्यूमेंट की एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, और जो एंडोस्टोम होती है वो इनर इंटेग्यूमेंट की एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, क्लियर। तो आउटर इंटेग्यूमेंट अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ करे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सोस्टोम, और इनर इंटेग्यूमेंट अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ करे तो उसको अपन बोलेंगे एंडोस्टोम। दोनों ही एम्ब्रियो सेक को प्रोटेक्शन देंगे और उसको माइक्रोपाइल रीजन से कवर करेंगे, उसको बाहर आने से रोकेंगे। बताओ बच्चों इंटेग्यूमेंट समझ आया। मैं ये कहता हूँ कि फाइनली हमें इंटेग्यूमेंट पर फटाफट 2-3 बातें बोलनी चाहिए। इंटेग्यूमेंट दो होते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट का मेन काम है प्रोटेक्शन देना और सीड कोट बनाना। आउटर इंटेग्यूमेंट क्या बनाएगा, टेस्टा, और इनर इंटेग्यूमेंट क्या बनाएगा, टेगमेन, इज दैट क्लियर। इसके अलावा ये एम्ब्रियो भी बना सकता है और ये न्यूट्रिशन भी देता है, लेकिन वो उन्हीं प्लांट्स में देता है, उन्हीं फ्लावर्स में ये देता है जिनमें न्यूसेलस रिड्यूस्ड होता है, जैसे कंपोजिटिव फैमिली। आउटर इंटेग्यूमेंट अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ करते हैं तो उसको अपन एक्सोस्टोम कहते हैं, और इनर इंटेग्यूमेंट अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ करते हैं तो उसको अपन एंडोस्टोम कहते हैं, क्लियर हुआ। चलो बच्चों अब चलते हैं न्यूसेलस की तरफ, वेरी गुड। पेरेन्काइमेटस सेल मास है, प्लॉइडी क्या है, 2n है। फूड स्टोरेज, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना बच्चों, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा बताओ, न्यूट्रिशन, किसको, एम्ब्रियो सेक को, बात समझ आई। जैसे आपने एंथर में न्यूट्रिशन देने वाला टिश्यू कौन सा पढ़ा था, टैपिटम ना, उसी तरह ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सेक को न्यूट्रिशन देगा वो कौन देगा, न्यूसेलस। अब न्यूसेलस जो होते हैं बच्चों ये दो तरह के होते हैं, टेनी न्यूसिलेट, क्या नाम है बच्चों इसका, टेनी न्यूसिलेट, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा, सिंगल सेल लेयर होती है, मतलब रिड्यूस्ड होता है ये, थिन होता है ये, ठीक है। तो एग्जांपल बच्चों गैमोपेटल्स और जिम्नोस्पर्म, ठीक है, क्लियर हुआ। तो न्यूसेलस अगर कम मास में है, न्यूसेलस अगर थिन है तो उसे टेनी न्यूसिलेट कहते हैं, और एग्जांपल क्या रखोगे आप, जिम्नोस्पर्म, क्लियर। अब देखो इसके बाद क्रेसी न्यूसिलेट कौन सा है बच्चों, क्रेसी न्यूसिलेट। क्रेसी न्यूसिलेट का मतलब है मैसिव सेलुलर मास, यानी न्यूसेलस अब बहुत ज़्यादा मास में है, वो थिक है अब, है ना। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों पॉलीपेटल्स, मोनोकोट प्लांट, कैप्सेला, क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। तो बहुत ही ईजी है, आप घबराओ मत, न्यूसेलस का मेन काम याद रखो, न्यूसेलस का मेन काम क्या है बताओ, न्यूट्रिशन देना। न्यूसेलस कितने तरह का होता है, दो, टेनी न्यूसिलेट और क्रेसी। टेनी का मतलब क्या हुआ, टेनी, टेनी का मतलब क्या हो गया, टेनी वर्ड को आप ऐसे याद करो, टीनी, टीनी मतलब सूक्ष्म, मतलब कम, थिन है वो। तो इसका एग्जांपल क्या रहेगा, जिम्नोस्पर्म। क्रेसी न्यूसिलेट, क्रेसी न्यूसिलेट में थोड़ी फीलिंग उठाओ, क्रेसी का मतलब ही क्या हुआ कि ज़्यादा है, वो ठीक है। तो एग्जांपल क्या रहेगा इसका, पॉलीपेटल्स, मोनोकोट और कैप्सुला, इज दैट क्लियर। नाउ न्यूसेलस की जो सेल है वो भी क्या करती है बच्चों, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है। जैसे अभी मैंने बताया था ना, इंटेग्यूमेंट भी स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे अभी बताया था मैंने आउटर इंटेग्यूमेंट एक्सोस्टोम बनाता है, इनर इंटेग्यूमेंट एंडोस्टोम बनाता है, उसी तरह न्यूसेलस भी स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए क्या है, हाइपोस्टेस। अब ये है वो जो मैं वहाँ पे बात बोल रहा था, हाइपोस्टेस। हाइपो मतलब क्या होता है, नीचे, यानी ये बेसल रीजन में न्यूसेलस का थिक सेल मास बन जाता है, बेसल रीजन, और बेसल रीजन कौन सा था, चेलेजल, ओके। और एपिस्टेस, एपिस्टेस का मतलब है कि ये थिक सेल मास बनेगा, एपी मतलब ऊपर वाले रीजन में, और ऊपर वाला रीजन कौन सा रीजन होता है, माइक्रोपाइलर रीजन होता है,
क्लियर। तो अल्टीमेट बच्चों इनका काम तो है एम्ब्रियो सेक को प्रोटेक्शन देना, उसको फिक्स रखना इनका काम होता है, हाइपोस्टेस और एपिस्टेस का काम, ठीक है ना। तो कोई ज़्यादा इतना देखो लिखा भी हुआ है, देखो मेरा प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एम्ब्रियो सेक एंड हेल्प इन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। ओके क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, तो कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको कभी पूछ ले हाइपोस्टेस न्यूसेलस की एक्स्ट्रा ग्रोथ है कहाँ पर है, ये चेलेजल रीजन में आपको याद रहना चाहिए। हाइपो मतलब नीचे, एपी एपिस्टेस मतलब ऊपर, यानी ऊपर वाले रीजन में, माइक्रोपाइल रीजन में। ओके आगे चलते हैं, देखो न्यूसेलस सेल प्रोवाइड या प्रोड्यूस वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं शूडो एम्ब्रियो सेक ड्यू टू लाइसिस ऑफ न्यूसेलस। कई बार न्यूसेलस क्या हो जाता है बच्चों, लाइसिस हो जाता है, मतलब डिग्रेड हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, तो फिर वहां पर वैक्यूल या वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको अपन शूडो एम्ब्रियो सेक भी बोलते हैं। क्लियर, एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। पेडोस्टोमियम आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। देखो न्यूसेलस सेल्स प्रोजेक्टेड इन माइक्रोपाइलर रीजन कॉल्ड न्यूसेलर बीक, ये ध्यान रखिएगा। क्या होता है कि माइक्रोपाइल रीजन में न्यूसेलस की सेल क्या हो जाती है, थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रोथ बना लेती है, तो उसको अपन न्यूसेलर बीक बोलते हैं। तो ये यूफोर्बिया प्लांट के अंदर भी मिलेगा आपको और पॉलीकोनम के अंदर भी ऐसा मिलेगा। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, पॉलीकोनम, ये थोड़ी स्पेलिंग सुधार लो यहाँ पे, ये पॉलीकोनम, इज दैट क्लियर। अब देखो बच्चों ले देखिए न्यूसेलस का इंपॉर्टेंस देखिए क्या है, न्यूट्रिशन देना, क्लियर हुआ। एडवेंटिव एगेमोस्पर्मी भी करता है, यानी एम्ब्रियो भी बना सकता है, ठीक है। स्टेबिलिटी दे रहा है एम्ब्रियो सेक को, है ना। अभी बताओ स्टेबिलिटी वाली बात याद है क्या, अभी मैंने बताया था ना न्यूसेलस अपना थिक मास बना लेता है, है ना। बेसल रीजन में बनाता है उसको हाइपोस्टेस बोलते हैं, और माइक्रोपाइलर रीजन में बनाता है उसको एपिस्टेस बोलते हैं, है ना। तो स्टेबिलिटी भी दे रहा है, क्लियर। कोई डाउट बेटा। कई बार न्यूसेलस फर्टिलाइजेशन के बाद भी रिमेन रहता है सीड में, वैसे तो न्यूसेलस यूज हो जाता है, लेकिन कुछ सीड ऐसे हैं बच्चों जिनमें न्यूसेलस रिमेन रहता है, मतलब डैमेज नहीं होता है, समझ आ रहा है आपको। तो न्यूसेलस बचा रह जाता है कुछ सीड्स के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे सीड्स को अपन पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं, याद रखिएगा बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पेरिस्पर्मिक सीड कौन होते हैं जिनमें न्यूसेलस ख़त्म नहीं होता है, न्यूसेलस रिमेन रहता है फर्टिलाइजेशन के बाद भी। तो एग्जाम्पल देखो बेटा, ब्लैक पाइपर है, ठीक है ना, पाइपर नाइग्राम इसका बोटैनिकल नेम है, ब्लैक पाइपर, गिंगर, टर्मरिक, है ना। ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अभी बताया है ना, ये ध्यान रखें। क्लियर। अब देखो माइक्रोपाइलर न्यूसेलस सेल, माइक्रोपाइल रीजन की तरफ जो न्यूसेलस की सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल का काम करती है, एमएमसी का काम करती है, और वही मेगास्पोर मदर सेल आगे मेगास्पोर बनाती है और जिससे आगे एम्ब्रियो सेक बनता है। तो देखो जरा न्यूसेलस की ही सेल एमएमसी का काम करती है, यानी मेगास्पोर मदर सेल का काम करती है, क्लियर हुआ। लेकिन ये एमएमसी कौन सी होती है, माइक्रोपाइल रीजन की तरफ वाली सेल होती है, क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। चलो ये तो ढेर सारी बातें न्यूसेलस पर हो गई है भाई, अब हम बात करते हैं न्यूसेलस के बाद क्या आता है ओव्यूल के स्ट्रक्चर में, बताया ना एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक क्या है बच्चों, फीमेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट क्या है, फिर से पूछूंगा मैं, बार बार पूछूंगे, मेल गेमेटोफाइट क्या होता है, एंथर, ओके नहीं पोलन ग्रेन, सॉरी मेल गेमेटोफाइट क्या था, पोलन ग्रेन। अच्छा ये बताओ टू सेल स्टेज का अगर पोलन ग्रेन है तो मैच्योर मेल गेमेटोफाइट होगा क्या, नहीं वो क्या होगा, इमैच्योर। थ्री सेल स्टेज का पोलन ग्रेन है तो वो मैच्योर मेल गेमेटोफाइट है। उसी तरह सेवन सेल एट न्यूक्लियस एम्ब्रियो सेक क्या है, मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट है, क्लियर हुआ। तो देखो डेवलप फ्रॉम मेगास्पोर, किससे बनता है, मेगास्पोर से बनता है। कितनी सेल होती है बच्चों, सेवन सेल होती है और एट न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर, क्लियर है। अभी बताया तो था बच्चों आपको, ये देखो इस तरह से, ये देखो ये एग अपरेटस था जिसमें ये दो सेल कौन सी हो गई हमारी, सेवास सिनर्जिड सेल, प्लॉइडी बोलो क्या है, एन, ठीक है। ये कौन सी सेल होगी बच्चों, एग सेल,
प्लॉइडी क्या रहेगी, एन। इस इनको एग अपरेटस कहा जाता है, ठीक है। और अब ये बड़ी सारी सेल यहाँ पर ये हो गई सेंट्रल सेल, ठीक है। और इसमें ये पोलर न्यूक्लियाई, पोलर या सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलते हैं इनको, इनकी प्लॉइडी हो गई एन प्लस एन। और ये हो गई हमारी एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, ठीक है एन। ये एम्ब्रियो सेक है बच्चों, सेवन सेल एट न्यूक्लियस, ठीक है। तो एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल ये जो अभी बताया ना मैंने, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल कहाँ है, चैलेंजल रीजन की तरफ होती है। एन होती है अभी बताया ना, हैप्लोइड होती है, डैमेज एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो सेक। ये डैमेज हो जाती है मैच्योरेशन के टाइम और न्यूट्रिशन दे जाती है, क्लियर हो गया काम। अब देखो सेंट्रल सेल, और या इसको जो इसमें पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी इसे बोला जाता है, क्लियर। प्लोइडी बताओ एन प्लस एन, क्लियर। कोई डाउट बेटा? लेकिन देखो क्या क्या चीज़, देखो कितनी अच्छी चीज़ लिखी हुई है, एन प्लस एन न्यूक्लियस स्टेज बिफोर फर्टिलाइजेशन। मैंने पहले भी कहा था ना केवल फर्टिलाइजेशन से पहले, लेकिन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इसके जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज्ड हो जाते हैं और ये फिर क्या हो जाती है शाबाश, ये 2N हो जाती है, क्लियर। समझ आ रही, बहुत अच्छी चीज़ है ये। फ्यूज विद वन मेल गैमेट एंड प्रोड्यूस 3N एंडोस्पर्म। अब देखो मेल गैमेट कितने थे बच्चों, दो थे, तो ये एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा किसके साथ बच्चों, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी क्या है 2N, और मेल गैमेट की प्लॉइडी क्या है N, तो अब ये क्या स्ट्रक्चर बनेगी 3N, और ये 3N आगे जाकर बनेगा एंडोस्पर्म जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। तो बताओ सेंट्रल सेल का फंक्शन समझ आ गया ना, क्या बनाना, एंडोस्पर्म बनाना, इज दैट क्लियर। अब आता है बच्चों एग अपरेटस, एग अपरेटस में एक सेल कौन सी थी, एग सेल एन फ्यूज्ड विद वन मेल गैमेट। तो ये क्या होता है बच्चों कि जैसे एक मेल गैमेट दो थे ना, तो एक तो किसके साथ फ्यूज हो जाता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो एक मेल गैमेट ये मेल गैमेट है और ये एग के साथ फ्यूज हो जाएगा और ये बना देंगे बच्चों जायगोट। और जायगोट क्या होगा बेटा 2N, और जायगोट आगे क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा। बात समझ आ गया, क्लियर। अब चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद आती है कौन सी सेल थी बताओ, सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल यानी हेल्पर सेल बोलते हैं। न्यूट्रिशन अपटेक फ्रॉम न्यूसेलस, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो देखो आपको मैंने अभी बताया था ना कि ये एम्ब्रियो सेक है ना, और इसमें ये देखो ये सिनर्जिड सेल है, और यहाँ पर ये देखो न्यूसेलस है। तो सिनर्जिड सेल क्या करती है बेटा, न्यूसेलस से न्यूट्रिशन अपटेक करती है और आगे प्रोवाइड करवाती है। बताओ समझ आया एकदम अच्छे से। अच्छा अब देखो इसका एक और अच्छा फंक्शन कि ये केमिकल रिलीज करती है और अट्रैक्ट टू पोलन ट्यूब टुवार्ड्स माइक्रोपाइल। बहुत अच्छा सवाल है, ये एनसीईआरटी में लाइन भी है इसी तरह की कि ये गाइड टू पोलन ट्यूब टुवार्ड्स माइक्रोपाइल, क्लियर है ना, समझ आ गया, केमिकल रिलीज करती है, ठीक है। हेल्प इन पोलन ट्यूब एंट्री इन एम्ब्रियो सेक, अभी बताया ना मैंने पोलन ट्यूब की एंट्री जो होती है वो एम्ब्रियो सेक में कराने में सिनर्जिड सेल का बहुत बड़ा रोल होता है, क्लियर। अब इसके लिए क्या होता है बच्चों, मैं पूरी बात अच्छे से बताऊंगा। देखो सिनर्जिड सेल कितनी होती है, दो होती है। तो क्या होता है बच्चों, एक सिनर्जिड सेल को यहाँ से बलिदान देना पड़ता है, यानी एक सिनर्जिड को यहाँ से डैमेज होना पड़ेगा। वो डैमेज होगी और केमिकल रिलीज करेगी और वो केमिकल इस पोलन ट्यूब को यहाँ आने में गाइड करेंगे। अब पोलन ट्यूब में आगे कौन सी सेल थी, वेजिटेटिव सेल थी, बड़ी वाली सेल थी ना, याद है ना आपको, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और पीछे क्या थे, मेल गैमेट थे, ये मेल गैमेट थे। अब यहाँ दो लोगों को बलिदान करना पड़ता है, एक सिनर्जिड सेल बलिदान हो जाती है और एक वेजिटेटिव सेल भी यहाँ पे डैमेज होती है। तो वेजिटेटिव सेल डैमेज होगी तभी ये मेल गैमेट अंदर एंट्री करेंगे, क्लियर हुआ। तो पोलन सिनर्जिड सेल का ये वाला फंक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट, दो फंक्शन है, दोनों ध्यान रखने हैं आपको, एक तो न्यूसेलस से न्यूट्रिशन अपटेक करना और दूसरा कि केमिकल रिलीज करना और पोलन ट्यूब की एंट्री करवाना किसमें, एम्ब्रियो सेक में, है ना। अब ये देखो क्या करती है, फिलीफॉर्म अपरेटस लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है ये। तो वो क्या करते हैं, मेल गैमेट को एंटर करते हैं किसके अंदर, एम्ब्रियो सेक में। तो इसमें क्या होते हैं, देखो सिनर्जिड सेल की ये स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं, सिनर्जिड सेल में क्या होता है, इस तरह से प्रोजेक्शंस होते हैं
और ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स बोलते हैं इनको, ये इन मेल गैमेट को अंदर एंट्री करवाने में रोल प्ले करते हैं। क्लियर हुआ, समझ आ रहे हैं ना आपको अच्छे से? देखो अब चलो, ये तो हो गया ओव्यूल के से, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट यानी 80% प्लांट में एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है। एनाट्रोपस अभी मैंने बताया था ना, इन्वर्टेड ओव्यूल बनाया था ना मैंने, एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा ओव्यूल? एनाट्रोपस ओव्यूल 80% प्लांट्स के अंदर। टिपिकल ओव्यूल इज एनाट्रोपस, तो आइडियल ओव्यूल का क्या हो गया? एनाट्रोपस ही हो गया ना। प्रेजेंट इन इन्वर्टेड फॉर्म यानी 180 डिग्री पर, तो माइक्रो 180 देखो मैंने कहा था नॉर्मली माइक्रोपाइल क्या होता है? ऊपर होता है और चैलेंजर नीचे होता है, लेकिन जब 180 डिग्री पर आप इसको रोटेट कर दोगे इस तरह से, आपने 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया तो माइक्रोपाइल कहाँ दिख रहा है आपको? डाउनवर्ड। और चैलेंजर कहाँ दिखेगा आपको? अपवर्ड दिखेगा कि नहीं दिखेगा बताओ? क्लियर है, क्योंकि हमने इसको 180 डिग्री पर इसका रोटेशन करवा दिया है। क्लियर हुआ, तो ये था बच्चों आपका जो आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजिया या स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। क्लियर, बाकी हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।